तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, प्रभास को आजकल हो क्या गया है? मतलब इस बंदे ने कसम खा रखी है कि एक अच्छी मूवी आएगी, उसके बाद फिर बेकार ही नहीं डिजास्टर मूवी लाऊंगा। दोस्तों, प्रोजेक्ट के का फर्स्ट लुक पोस्टर तो आप सभी ने देख लिया होगा अभी तक। मतलब आफ्टर आदिपुरुष हमें लगा था अब शायद ये सुधर चुके हैं, अब ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन बाबा जो ये कह रहे हैं कि 600 करोड़ हमने प्रोजेक्ट के को बनाने में खर्च कर दिए हैं, इनसे बड़ा चूतिया मुझे कोई लग नहीं रहा है फिलहाल। तो यार, तुम्हें पोस्टर बनाने की तमीज़ नहीं है, तुम कह रहे हैं हमने मूवी में 600 करोड़ डुबा दिए हैं, ये सही वर्ड होगा इनके लिए, डुबा दिए हैं। तो आज बात करेंगे कि पोस्टर कैसा है, पब्लिक की तरफ से कैसे रिव्यू एंड रिएक्शन मिल रहे हैं, क्या वाकई में प्रभास का स्टारडम खतरे में है, कास्ट कैसी होने वाली है मूवी की, सब जानेंगे उस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी प्रभास के डाई हार्ट फैन हैं और उनसे जुड़ी सभी बड़ी अपडेट चाहते हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया है इस रद्दी पोस्टर को देखकर। क्या भैया सस्ता सा एडिट मार के आयरन मैन का पूरा लुक उठा के उसमें बस प्रभास की मुंडी जोड़ दी है? क्या कर रहे हो आप? मतलब आप इतना बड़ा पैसा लगा रहे हैं आंख बंद करके सिर्फ प्रभास के नाम पर, मानना पड़ेगा। माना प्रभास के डाई हार्ट फैन हो तो ऐसा थोड़ी है कि लोग कचरा भी देख लेंगे। देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है, आप सभी जानते हैं। तो भाई साहब, इस कहावत का ही ख्याल कर लेते। देखो, ऐसा नहीं है कि हमें अपने इंडियन सिनेमा की मजाक उड़ाने में या उनकी बुराई करने में अच्छा लगता है, हम सपोर्टिव भी हैं और एक बार के लिए लोगों ने आदिपुरुष को भी सपोर्ट किया था। पर क्या निकला? थिएटर तक लोग गए अपना समय निकाल कर, अपना पैसा खर्च करके, लेकिन क्या निकला? जीरो रिजल्ट, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई भी बंदा तारीफ नहीं कर रहा था उस फिल्म की, क्योंकि जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही बोला जाएगा ना। आपने रामायण के साथ पूरी छेड़छाड़ कर दी सिर्फ एक प्रभास के नाम पर, और अब प्रोजेक्ट के में भी वही चीज़ देखने को मिल रही है। भाई फिर से कहूँगा, पोस्टर में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। दुनिया में इतना सारा सुपर हीरो वाला फिल्म है, इवन हमारे इंडियन सिनेमा में ही रावण और क्रिस जैसी मूवी है, उनके पोस्टर और इसमें कितना जमीन आसमान का फर्क है यही देख लेते। मार्वल और डीसी की कितनी सुपर हीरो फिल्म है, उनके पोस्टर कैसे रिलीज होते हैं, उनसे थोड़ा सीख लेना चाहिए था। देखो, सीखने में कुछ नहीं जाता, आप देखो, ऑब्जर्व करो और इंस्पिरेशन लो, लेकिन कॉपी ये मत करो। दिस इज द रॉन्ग स्टेप जो आपने आयरन मैन के सिग्नेचर मूव से कॉपी कर ही लिया है। फर्क इतना है कि आपने येलो ही सूट कर दिया है, बाकी सारा एक्शन स्टाइल पूरा सेम है, और मुंडी तो जैसे अलग से क्रॉप करके लगाई गई है प्रभास की। सेम आदिपुरुष जैसा हाल कर रहे हैं। आपने मूवी में तो जी भर के खर्चा कर दिया, लेकिन बात जब असली चीज की आई जिससे मूवी ग्रो होगी, लोग बेसब्री से जिसकी वजह से वेट करेंगे, उसमें आपने एफर्ट ही नहीं मारा है। देखो भैया, एक मूवी के लिए उसका पोस्टर बहुत अमेजिंग होना चाहिए जिससे जनता का दिमाग में ये क्यूरियोसिटी जाग जाए कि आखिर इसमें ऐसा क्या होने वाला है जो इतना धांसू पोस्टर निकाला गया है। तो इस बार पोस्टर को देखकर पब्लिक सीधा बोल ली कि एक और आदिपुरुष बना डाली शायद, लग रहा है फिर से हम लोगों को चूतिया काटने के लिए प्रभास जैसे दमदार ब्रांड का इस्तेमाल करा गया है, और बदले में एंटरटेनमेंट के नाम पर रद्दी कॉन्टेंट ही पकड़ाया जाएगा और अपना पैसा छाप लिया जाएगा। तो एक बात मैं कहूँगा कि यूट्यूबर का थंबनेल ज़्यादा इंप्रेसिव होता है अगर इस पोस्टर के सामने बात करूँ तब। बाकी दोस्तों, मोटा मोटा न्यूज़ ये रिवील हो रहा है कि कास्ट में आपको द लीजेंड द बिग बी अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे, कमल हसन जी देखने को मिलेंगे, दीपिका पादुकोण को तो आपने देख ही लिया होगा पोस्टर में क्योंकि इससे पहले उन्हीं का पोस्टर रिलीज कराया गया था, लेकिन सिर्फ उनका मुंडी और कुछ नहीं। भाई ये अलग ही कॉन्ट्रोवर्सी का टॉपिक है, फिलहाल अभी मैं इस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, बाकी कास्ट में आपको सूर्या देखने को मिलेंगे और दिशा पटानी भी देखने को मिलेंगी, साथ ही राणा डगोबत्ती जैसे दिग्गज स्टार के साथ मूवी कंप्लीट करी जानी है। देखो दोस्तों, बड़ी कास्ट लेने के चक्कर में कंटेंट के नाम पर चूतिया काटने वाले हैं प्रोजेक्ट के, साफ पता लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि वीएफएक्स में इतना दम देखने को मिलेगा क्योंकि इन्हें पोस्टर बनाने तक की तमीज नहीं है। साहो देखिए ना आपने, इमेजिन कर लो उसके वीएफएक्स कैसे थे, बस वही होने वाला है। आदिपुरुष के बारे में तो बोलूंगा ही नहीं क्योंकि वीएफएक्स उसमें थे ही कहां, एनिमेशन था वो भी रद्दी लेवल का। देखो, प्रभास से जनता बहुत एक्सपेक्ट करती है, लाइक जब सालार आई उसका टीजर आया, जनता ने दिल खोलकर स्वागत करा, सभी को टीजर इतना पसंद आया, अब बस मूवी के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो चीज किसी से भी नहीं छुपी थी। लेकिन प्रोजेक्ट के जैसे कंटेंट पर प्रभास का नाम जरूर खराब कर सकते हैं, ये साफ पता लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम प्रभास के डायहार्ड फैन नहीं है, हम हैं, मैं दिल से प्रभास का डायहार्ड फैन हूं, लेकिन मैं अपने सुपरस्टार को ऐसे डाउन जाते नहीं देख सकता क्योंकि जिस हिसाब से उसने ग्रो करा था बाहुबली के नाम पर, वो लेवल कभी भी मैच नहीं हो पाएगा किसी से भी, वो सिर्फ प्रभास ही कर सकते हैं अपना लेवल मैच, जो सलार में करते नजर भी आ रहे हैं। बाकी प्रोजेक्ट के में और भी देखो क्या क्या निकल के आ सकता है, वो तो बाद में पता लगेगा। बाकी मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, आप लोग बताएंगे कि आपको पोस्टर कैसा लगा, क्या ये मूवी पिटने वाली है या उठने वाली है, ये आप लोग बताएंगे। दूसरा, सालार और प्रोजेक्ट के में कौन सी मूवी आपको बेस्ट लगने वाली है या लग रही है, फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।